हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति हैंडमेक आर्ट्स में वेलकम है। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से मटके को गढ़ा जाता है। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लो। तो यार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारी इनको फांस बोलते हैं, यानी जो मटके को हाफ कर लिया जाता है, जो फूट जाता है एंड उसमें इस मटके को रखते हैं, तक क्योंकि ये गीला रहता है तो इसको इस तरीके से रखते हैं, फैले नहीं। जैसे ही ये थोड़ा सूख जाता है तो इसको नीचे से ठोक के और औंधा रख दिया जाता है। तो दोस्तों, जब हम इनको चाक पे से उतारते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। और उसके बाद में मैंने अभी आपको दिखाया तो लास्ट स्टेज वो होती है, उससे भी एक और होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कल। सो गाइज, अभी हम दिखाते हैं कि इस तरीके से लेके और उस तरीके के बीच की प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी भी एक वीडियो में बता चुका था, इसको पढ़ाई बोलते हैं, चमकीला पत्थर। और ये दोस्तों राख होती है, जिसको यहाँ अंदर इसमें डाल लिया जाता है ताकि अंदर से जो हमारी पिंडी है वो चिपके नहीं। और ये हमारा थापा है, पिंडी अंदर है और इसको आत्री बोलते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं किस तरीके से गढ़ा जाता है ये। इसको इस प्रकार से पकड़ते हैं, देखिए सबसे पहले इस पेंदे की जो मिट्टी होती है उसको बराबर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ताकि इसको बनाते समय यहाँ से पतला ना रहे और यहाँ मोटा ना रहे। अगर यहाँ मोटा रहेगा तो यहाँ पेंदे में फट जाएगा ये। तो भाई, जब इसको इस तरीके से बराबर करके इसे थोड़ा खड़ा करके बराबर कर लिया है, अब आगे इस तरीके से इसको बराबर एक हिसाब से हिलाना है, थापा और पेंडी दोनों बराबर से चलानी है। तो गाइस, उसके बाद धीरे धीरे थापा और पेंडी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों एक साथ चलने चाहिए। और धीरे धीरे इस मिट्टी को ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है, धीरे 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 धीरे। और जो अंदर थापा होता है एंड बाहर जो सॉरी अंदर पिंडी होती है और जो बाहर थापा होता है, गैस दोनों एक लेवल में चलते हैं, क्योंकि अगर एक भी आगे पीछे चलेगा तो ये टूट जाएगा। अब इसकी लेयर है छात्रों से बराबर हो गई। अब इसकी तो गाइज, जो हमारा उल्टे थापे से है इस पे दो सेट मार चुके हैं, यानी कि हम दो बार इसको लेयर को चढ़ा चुके हैं, यानी कि ये मिनिमम बराबर हो चुका है। और आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किसी के बगल में रख देता हूँ ये वाला। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो साथ के साथ में इसमें और इसमें, देखो दोस्तों कितना चेंजेस आ चुका है। अब इसमें फिर से अंदर थोड़ा राख डाला जा रहा है ताकि ये चिपके नहीं। और अब हम दोस्तों थापे को सीधा, यानी कि जिधर से खड़ा होता है उधर की ओर से लेंगे, ताकि इसमें थोड़ी सफाई आना शुरू हो जाए मटके पे। यार दोस्तों, अगर चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यार दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करोगे तो अभी तो हम फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, हो सकते हैं हमारी दो तीन वीडियो के बाद हम कैमरा ले आए और उससे वीडियो बनाएं, अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। तो यार गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कर दिए हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक एक लेयर है जो सीधे थापे से कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ये एक लेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा इसे पेंदे में से फुलाएंगे हम। जैसे अभी ये पूरा लेयर एक लेयर कंप्लीट होने वाला है और आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है एक लेयर पूरा। तो दोस्तों, अब हल्के हाथ से जो मिट्टी मतलब कहीं पे मोटी पतली रह गई है उसे लेवल कर देंगे। सो दोस्तों, इतना हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से इसकी जो ये कन्नी है इसको चिकनी किया जाएगा, मतलब गर्दन के नीचे, जो गर्दन के नीचे जो गोलाई दी जाएगी इसको दोस्तों कंदी बोलते हैं। अभी आप देख सकते हो कि एक मिनट रुकिए, यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना गोल एकदम हो चुका है। और यहाँ से आप देखोगे कि कितना रफ है, यहाँ से देखिए कितना रफ है और यहाँ से एकदम चिकना हो चुका है। तो
इस प्रकार दोस्तों जो थापे को हम जो खाली होता है उसको सीधी तरफ बोलते हैं, उससे कंधी को एकदम गोल और एकदम सफाई दे दी जाती है। थापा पिंडी एक साथ चलते हैं, नहीं तो अंदर गड्ढे रह जाते हैं जिससे कटने का डर रहता है। अब दोस्तों इस मटके को जो गोच गुलाई दी जा रही है, गोच दी जा रही है, मतलब दोस्तों अभी फिलहाल आखिरी में इसकी ये लास्ट स्टेज है। उसके बाद जो आप वहाँ पे फांस देख रहे हैं उन फांस में रखा जाएगा। जैसे इसका कन्नी थोड़ा टाइट हो जाएगा उसके बाद फिर से इसे ठोकने की प्रोसेस वो भी इसी वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। तो ये इसकी यहाँ पे अभी जो फर्स्ट की लास्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद की मेकिंग अभी वीडियो में आगे बताई जाएगी आप लोगों को। तो यार दोस्तों अभी तक आप देख सकते हो कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फांस में कैसे रखते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में अभी दिखाएंगे साथ के साथ में। तो दोस्तों ये हमारी फांस है, ठीक है, ये हमारा मटका और ये इसमें थोड़ा सा रख दिया है दबा के, और इसको दोनों हैंड्स की सहायता से इस तरीके से सूंता जाता है ताकि ये कहीं से भी दरार ना दे, फटे नहीं इस वजह से, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से दरार ना आए इस वजह से इसको सूत के रख दिया जाता है, एंड थापा पिंडी को इसी वजह से एक साथ चलाया जाता है ताकि ये कहीं से भी कटे फटे नहीं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसको हमने गड़ के रखा है, ये नरम था। तो दोस्तों अभी काफ़ी टाइम बाद ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल टाइट हो चुका है। अब इसके करने अब इसको हम उल्टा भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि दोस्तों अब हमने इसको उल्टा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने इसको फांस में रखा तो दोस्तों ये इस तरीके से थोड़ा गड्ढे कोंचे से हो गए हैं इसमें, उसको लेवल करेंगे अब हम, इसको बोलते हैं सुधारना। तो दोस्तों इसको सीधे थापे की सहायता से हम सबसे पहले जो नीचे पींदे में मिट्टी थी उसको ऊपर चढ़ा लेंगे। अभी ये सूख चुका है इस वजह से थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, थोड़ा प्रेशर लगा के चोट मारना पड़ रहा है। सो दोस्तों इतना प्रेशर प्रोसेस हो चुका है। अब इसको यहाँ से और यहाँ तक में इसको थोड़ा गुलाई देंगे दोस्तों, ये जो किनोर सी है वो गायब हो जाएगी। तो दोस्तों लगभग इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। अब हल्के थापे से बस इसमें थोड़ा सा सफाई दिया जा रहा है ताकि थापे के निशान वगैरह ना रहे और ये एकदम गोल हो जाए, कोई भी खड्डा इसमें ना रहे। अब दोस्तों थोड़ी सी इसमें पढ़ाई लगा ली जाती है पींदे में ताकि अब हम इसको ठोके तो ये चिपके नहीं। तो दोस्तों ये पींडा जो कि थोड़ा बड़ा था तो आया नहीं, अब पींडी की सहायता से इसको ठोक देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो धीरे 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 ये गोल होता जा रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा करके ठोका जा रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये लगभग ठुक के अब एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा मटका एकदम। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस हो गई शाक पे, मैंने बता चुका है आपको किस तरीके से बनाया जाता है, और आज की वीडियो में पूरा बता दिया कि किस तरीके से इसको गढ़ा जाता है, सुखा के सुधारा जाता है पूरी प्रोसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसको इसके ऊपर कैसे मांडने मांडे जाते हैं सूखने के बाद,
कैसे पकाया जाता है पूरी प्रोसेस मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।